हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मतलब ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। जो भी हमारे ये बिजनेसमैन हैं, जो भी है, ये जो स्टार्टअप करते हैं शुरू में, तो ये लोग सदर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये ब्लॉग स्पेशली उनके लिए होने वाला है कि कब मार्केट खुलती है, कैसे कैसे मार्केट कैसे जाया जाता है। मतलब मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसे आएँ, मेट्रो से जो लोग आते हैं वो कैसे आएँ, और रेलवे से जैसे लोग आते हैं वो कैसे आएँ। तो अब वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किन चीज़ों का आपको केयरफुल रहना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम भी चल रहा है, होता ही है, हर जगह होता है स्कैम। तो उन सब चीज़ों से मैं इस वीडियो में आपको अवेयर करना चाहता हूँ, और पर्पज़ यही रहने वाला है कि हम कैसे वहाँ तक जा पाएँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर 30,000 मेट्रो स्टेशन के पीछे। इस मेट्रो में हमने पार्किंग कर दी है, तो आप अगर कोई भी अगर अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं 30,000 मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे। 6 घंटे के यहाँ पर पर्ची कटती है, 6 घंटे का 50 रुपये। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ सेफ पार्किंग हो जाती है, एकदम ओपन पार्किंग है, बट सब लोग यहाँ पर ही खड़ी करते हैं। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, हम निकलते हैं गाड़ी से, फिर दिखाता हूँ आपको क्या होता है। लेट्स गो गाइस। सो गाइज आई नीड टू एड वन थिंग हेयर, जो लोग मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं ना, वो कहीं पर ना जाएं। सब शुरू में जब मैं भी गया था तो मेरे को बताया था ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाओ या ये करो वो करो। जो मेट्रो से आ रहे हैं वो कहीं ना जाएं। 30,000 मेट्रो स्टेशन नाम याद रख लो, 30,000 मेट्रो स्टेशन पर ही आपको आना है। आप जहाँ से भी आ रहे हैं मेट्रो से आ रहे हैं अगर, तो 30,000 मेट्रो स्टेशन डालो, उस गेट से एग्जिट करो और आगे तब कंटिन्यू करो उस ब्लॉक के साथ। और जो लोग रेलवे स्टेशन से रेलवे से आते हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं, मेट्रो से नहीं आ पाते, रेलवे से आ रहे हैं, तो वो लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, उनको वहाँ पर आना है। उस वहाँ पर आने के बाद रेलवे स्टेशन से जैसे ही एग्जिट करोगे तुम्हारा सदर चालू हो जाएगा, वहाँ से तुमको ऑटो पकड़ना पड़ेगा, 20 रुपये लेता है। जैसे कि यहाँ 30,000 मेट्रो स्टेशन से हम जाते हैं तो भी हमको ऑटो लेना पड़ता है, 20 रुपये चार्ज लगता है उसका। और रेलवे स्टेशन से आओगे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन तो भी 20 रुपये चार्ज लगेगा। तो दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया, अब कंटिन्यू। तो गाइस ये रोड क्रॉस करके 30,000 मेट्रो स्टेशन के सामने, ये रहा 30,000 मेट्रो स्टेशन। इसके सामने से आपको मेट्रो में से ऑटो मिल जाएगा, यहाँ से ऑटो मिल सकता है, यहाँ से आप जा सकते हैं सदर, वो पहुँचाएगा आपको सदर चौराहे पे, फिर वहाँ से आप अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं गाइस देखते हैं। ये जा रहा देखो सामान, ऐसा भर भर के जाते हैं। तो गाइस ऑटो वाला सदर चौक पर आपको उतार देगा, और यहाँ से ऐसे पटरी मार्केट शुरू हो जाती है। ये पटरी मार्केट है, अभी शॉप ओपन नहीं हुई है, तो ये लोग नीचे रोड पर अपना सामान सेल करते हैं। तो ये होता है पटरी मार्केट में, यहाँ सामान आपको लो क्वालिटी में और सस्ता सामान मिलता है। जो शॉप कीपर सस्ता सामान रखते हैं वो पटरी मार्केट से लेके जाते हैं। अभी ये पटरी मार्केट 10 बजे तक रहता है सुबह को, उसके बाद शॉप्स खुलने लग जाती हैं, तो ये सब उठ के चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर ना अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो मैं सुबह के टाइम आया हूँ तो इतना क्राउड नहीं है, लेकिन 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा क्राउड होने लग जाता है। मेरे को ब्लॉग बनाना था इसलिए मैं सुबह को आया हूँ, बट अपने सामान का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी ले जाता है आप पॉकेट में से निकाल के। ये अप्रॉक्स 10 बज चुके हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है, और शॉप भी अब देख रहे हो आप ओपन होने लगी हैं। सो गाइस ये था आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्लॉग के बाद मैं आपको बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसका जब आप जाओ तो इसका स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ मैंने वीडियो भी बताया था, अपने सामान का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जब भी कभी भीड़ में आप जाते हो तो स्पेशल ध्यान रखना चाहिए आपको सामान का, क्योंकि मेरे सामने ही एक आंटी का पर्स चोरी हो चुका है, उनकी पॉकेट में रखा हुआ था, वो निकल के चोरी हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कहीं से भी शॉपिंग कर रहे हैं, किसी भी शॉप से शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक ही शॉप से सारा सामान मत लेना। यूट्यूब पर वीडियोज आपको मिल रही होंगी कि एक शॉप आपको दिखा देते हैं उस पे सारा सामान लो, वो करते क्या है कि शुरू में सामान आपको बहुत सस्ता सस्ता वाला दिखाएंगे, मतलब अच्छा सामान थोड़ा कम रेट पर दिखाएंगे, और फिर जैसे जैसे आप उनसे सामान लोगे तो उनके प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होते चले जाएंगे, उससे अच्छा मार्जिन वो ले लेते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। तो एक शॉप से कभी भी मत लो सामान,
थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट प्रॉफिट में तभी आप रहोगे जब आप अलग अलग शॉप्स पे एक्सप्लोर करो, जो आपको सामान सस्ता लग रहा है कि हाँ ये जेन्युइन में सस्ता दे रहे हैं, उससे वो सामान ले लिया, फिर नेक्स्ट शॉप पर गए वहाँ जो आपको लग रहा है वहाँ से वो ले लिया, लेकिन एक ही शॉप से कभी भी सारा सामान मत लेना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप वहाँ तक 30,000 मेट्रो स्टेशन से आप सदर मेन मार्केट तक जा सकते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जो भी वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। बाय बाय।